ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय यात्रा नू फिर तो चालू करने ते सरहदी पाबंदियां दे विच ढिल देने का ऐलान कर दिता। मॉरिसन ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय सरहद अगले महीने उन्हां राज्यां दे लई दुबारा खुल जाएगी जो 80% टीकाकरण की दर ते पहुंच चुके ने। सो योजना के पहले पड़ाव विच नागरिकां अते स्थाई निवासियों नू आस्ट्रेलिया छड्डन की इजाजत देन ते ध्यान केंद्रित किया जाएगा अते होर तब्दीलियां दे नाल विदेशी यात्रियों नू देश दे विच प्रवेश करन दी इजाजत मिलन की उम्मीद है। सो मॉरिसन ने कहा है कि आस्ट्रेलियाई लोगों नू उन्हां दी जिंदगी वापस देन दा समा आ गया। महामारी दे समय असी लोगों की जान बचाई, रोजी रोटी बचाई, पर सानू ए यकीन बनाउण दे लई मिलके काम करना जरूरी है। आस्ट्रेलियाई लोग उस जीवन नू दुबारा प्राप्त कर सकन जो उन्हां कोल किसे समय इस देश दे विच सी। सो दस दईए कि मॉरिसन ने मार्च 2020 दे विच अंतरराष्ट्रीय सरहद नू बंद कर दिता सी। उदो तो सिर्फ सीमित गिनती दे विच लोकां नू महत्वपूर्ण व्यापारिक जां मनुखी कारणां करके देश छड्डन दी इजाजत दित्ती गई। सो मॉरिसन ने कहा है कि उन्हां नू उम्मीद है कि नवंबर दे विच पहला होम क्वारंटीन सिस्टम लागू हो जाएगा।